नमस्कार, मैं हूं मुनीश राजदान रेस्पिरेटरी सिस्टम से। आज हम आपके लिए एक और नया कमोड चेयर लेके आए हैं जो वेस्टर्न सीट पे आप यूज़ कर सकते हैं। पॉट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और वेस्टर्न सीट के ऊपर भी ले जा सकते हैं। व्हील्स वाला ये है, फोल्ड होके इतना छोटा सा हो जाता है, ये इतने छोटे बॉक्स में आया हुआ है। एस्ले बाई आनंद, एस्ले ब्रांड है आनंद का, इनका कमोड चेयर है। इसका मॉडल नंबर है 6924। इसका चेयर का वेट है, नेट वेट है 12.1 kgs और ग्रॉस वेट है 13.8 kgs। इसको निकाल के देख लेते हैं कैसा है ये। इसमें इस टाइप से ये पैकिंग में आता है। इसमें ये दो इसके आर्म रेस्ट निकलेंगे, ये इसका बैक रेस्ट है, ये सीट है, पॉट है इसके साथ में, ये चेयर का बेस है और ये इसके साथ में फुटरेस्ट है। इसके साथ में बेल्ट है स्काफ को सपोर्ट देने के लिए, और ये दो एल्युमिनियम के फुटरेस्ट हैं। मान लीजिए इसके साथ इसका की सेट है, पैनर है, लेंथ कीज है, ऐसा हो जाता है कॉम्पैक्ट। इसको असेंबल करने के लिए इसको ऐसे ओपन करेंगे, ये इसमें एक लीवर है, इसको नीचे पुल करके ये इसमें होल है, यहाँ पे इसमें होल में बिठाएंगे, इसके बाद में ये इसका बैक रेस्ट इसमें लगाएंगे। बैक रेस्ट लगाने के लिए यहाँ पे ये दो लॉक हैं, ये लॉक यहाँ से निकालेंगे, इसको पुश करके पीछे पुल करेंगे, ऐसे इसको पुश करेंगे, ये दोनों लॉक्स निकल आते हैं। ये करने के बाद में आपको ये इसमें बिठाना है, दोनों साइड से ये होल्स बराबर आ जाएंगे, फिर इसमें ये वापस लॉक जो है यहाँ से रख के इसको पुश करना है। इसका फिक्स करना है, सीट फिक्स करने के लिए इसको ऊपर से ये हटाइए, ये इसमें हुक्स बने हुए हैं, इसके क्लिप्स हैं, क्लिप्स जो हैं इनके ऊपर इन चारों पॉइंट्स पे बिठा के पाइप के ऊपर इसको आपको पुश करना है। ये फिक्स हो गया। आपको इसके साथ कमोड यूज़ करना है तो ये पॉट है, कमोड पे ये वापस आप इसको कमोड पे लेके ऐसे चेयर को रख सकते हैं, और अगर आपको पॉट के साथ यूज़ करना है तो इसका ढक्कन हटा के ये
पीछे से इसमें ऐसे स्लाइड कर सकते हैं, ये इसमें फिक्स हो जाएगा। यूज करने के बाद में पॉट वापस हटा के इसको आप ढक्कन लगा के आप क्लीन करने के लिए ले जा सकते हैं। और अगर आपको एज ए व्हील चेयर यूज करना है, नॉर्मल चेयर, तो इसके ऊपर ये सीट लगा के पेशेंट को बिठा सकते हैं। नेक्स्ट है इसका आर्मरेस्ट है इसके साथ में। आर्मरेस्ट फिक्स करने के लिए आपको ये ओपन करना पड़ेगा, नट बोल्ट खोल लीजिए। खोल के इसको इसमें डाल के यहाँ से ये इसके वॉशर हैं, ये लगाने हैं आपको। वॉशर लगा के इसको स्क्रू कर दीजिए। इसको टाइट करने के लिए इसके साथ में ये एक स्पैनर दिया गया है, इसकी की है और ये एलन की है। एलन की लगा के आप इसको टाइट कर सकते हैं। एलन की इसमें दो है, मोटा वाला एलन की इसमें लग रहा है, इसमें फंसा के इसको टाइट कर सकते हैं। सर इसमें एक आपको ये इधर रखना पड़ेगा, एक ओपन करेंगे। वॉशर्स हैं, ये एक स्क्रू की तरफ रहेगा, इसको रख के इसको पाइप में ऐसे बिठाना है, दूसरी तरफ से ये लगेगा। तीसरा जो है वो हम लोग इधर से लगाए, इधर से लगा के फिर ये वॉशर और फिर ये स्क्रू टाइट। इसको लगा के ये इधर से एलन की इसमें लगेगा, एलन की में इसको फंसा के इसको थोड़ा सा टाइट कर दो। ऐसे ही दूसरी साइड का लगेगा। ऐसे ही एक ये इस साइड लगाना है वॉशर प्लास्टिक का, दूसरा फिर इस साइड, इसको इसमें डाल के तो ये थर्ड वाला जो है इधर से ये जो राउंड वाला है इसमें पाइप को पकड़ना है। पाइप पकड़ा गया, फिर ये मेटेलिक वॉशर, फिर ये स्क्रू टाइट, नट लगाना। हल्का सा टाइट देना है, बहुत ज़्यादा टाइट देने की ज़रूरत नहीं है। ये आर्म्स लग गई हैं, अब आर्म को फिक्स करने के लिए बस इसको थोड़ा सा पीछे करेंगे, ये लग जाएगा। इसको भी ऊपर खींचते हैं तो ये अपने आप इसमें लॉक हो जाता है। तो आर्म को वापस निकालने के लिए वापस फोल्ड करना है, इसको लेवर को पीछे पुल कीजिए, ये पीछे आ जाए, ऐसे ही इधर से भी आ जाएगा। इसको पीछे पुल करेंगे ये नीचे चला जाएगा। इसका बेनिफिट ये है कि अगर पेशेंट को किसी एक चीज़ से खिसक के दूसरी चीज़ पे बैठना है तो ऐसे करके पेशेंट इस पे आके बैठ सकता है। उसके बाद में आप इसका जो आर्म्स है ऊपर कर सकते हैं। पेशेंट को उठ के वो नहीं होगा कि पेशेंट का गिरने का चांस नहीं है, खिसक के पेशेंट बैठ सकता है। अगर हैवी पेशेंट है
ऐसे ही उतरने के लिए भी इसको वापस खोला, अनफोल्ड किया और दूसरी चेयर पे या बेड पे पेशेंट खिसक के बैठ सकता है। नेक्स्ट है इसका फुटरेस्ट। फुटरेस्ट भी इसका राइट लेफ्ट होता है, ये देख के लगाना है आपको। इसको लगाने के लिए जो किस साइड का है, ये जो आपका फुटरेस्ट है ये अंदर की तरफ रहना चाहिए आपके लेफ्ट की साइड में। इसको लगाने के लिए ये दो होल्स हैं इसमें, इसको इन पिन्स में बिठाना है। ऐसे दोनों में बिठा के इसको ऐसे करेंगे तो ये लॉक हो जाता है। ऐसे ही इधर का भी लगाएंगे। और ये फुटरेस्ट हो गया। अब इस पे पेशेंट को बिठाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले जब पेशेंट को बिठाना है तो ये पीछे इसमें व्हील्स में ब्रेक भी है, पेशेंट को बिठाने के टाइम में इसको पहले ब्रेक लगाना है। अपना पोजीशन में करके चेयर को दोनों व्हील्स में ब्रेक लगाना है, पेशेंट का पोजीशन में करके पहले फुटरेस्ट को फोल्ड करके रखना है। तो पेशेंट को बिठाना है, बिठाने के बाद में फुटरेस्ट ओपन करके फिर पेशेंट के पैर उसके ऊपर रखने हैं। और ऐसे ही जब उतरना है तब भी इसके ऊपर पैर रख के नहीं उतरना है, वेट नहीं डालना है। उतरने के लिए पहले इसको फोल्ड करना है, फिर पेशेंट को उठाना है, फिर उसके बाद में इसका ब्रेक रिलीज करना है। ब्रेक रिलीज करने के लिए इसको वापस पुश करना है और पेशेंट को आप वहां ले जा सकते हैं। लास्ट चीज इसमें है एक, ये इसका बेल्ट है। बेल्ट आप इसमें लगा सकते हैं ताकि पेशेंट का पांव पीछे ना चला जाए। नीचे यहाँ पे आएगा, ताकि पेशेंट के पांव जो हैं वो पीछे की तरफ ना चले जाएं। जो पेशेंट अपना पैर संभाल नहीं सकते तो पैर पीछे की तरफ ना चले जाएं खिसक के, इसलिए ये बेल्ट यहाँ पे दी गई है। कंप्लीट इसको पॉट लगा के भी आप कैरी कर सकते हैं। जैसे ये हमारा टॉयलेट का वेस्टर्न सीट होता है, इसके ऊपर हम लोग इसको ले जाके पेशेंट को बिठा के इसके ऊपर हम लोग बिल्कुल टॉयलेट के ऊपर कर सकते हैं। सीट हटा के हम इसको टॉयलेट यूज कर सकते हैं। यूज करके पेशेंट को वापस लेके अपना क्लीन कर लीजिए। इसका अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट जो है चेयर का 14,000 रुपीज़ है, इंडियन रुपीज़ 14,000 इंक्लूडिंग ऑफ टैक्सेस। थैंक यू।